हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम कुमार और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं IBPS PO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि 19 अक्टूबर को हुआ। मेरा एग्ज़ाम जो था वो फर्स्ट शिफ्ट में था। एंड अगर मैं आप अटेम्प्ट्स की बात करूं तो मेरे अटेम्प्ट्स मैं आपको बताता हूं बाद में। पहले आप देखिए कि अलग अलग वेबसाइट जो है अलग अलग आपको प्रोडक्शन करके दे रही है कि क्या है बेस्ट अटैम्प्ट। तो आप देखिए ज़रा इसमें, यह है मैंने एक वेबसाइट खोला हुआ जिसमें आपको दिख रहा होगा। दे आर सेइंग कि इंग्लिश में 21 से 24 गुड अटैम्प्ट है, रीजनिंग में 27 से 30 और 22 से 26 से 26 है क्वांट्स में। एंड ओवरऑल टर्म की बात करें तो 68 से 73 के बारे में बताया जा रहा है। अलग अलग वेबसाइट्स पे ये बातें अलग अलग की जा रही हैं, बट आपका अटैम्प्ट अगर 65 प्लस है तो आप सेफ हो। अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरे हिसाब से अगर आपने एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहती है और आपने 65 प्लस अटैम्प्ट किया है सो यू आर सेफ इनफ। एंड अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम अलग हुआ है तो आप रिज़ल्ट का वेट कृपया ना करें। आप सभी को पता है कि कंपटीशन कितना आगे निकल चुका है और जब तक हम रिज़ल्ट का वेट करते हैं काफ़ी टाइम निकल जाता है प्रिपरेशन में एंड कर नहीं पाते हैं हम प्रिपरेशन में इसकी उतने अच्छे से जितना हमें करना चाहिए। सो विद दिस मैं आपको बता दूँ कि मेरे जो अटैम्प्ट रहे थे वो मैं अगर बताऊँ, इंग्लिश में मैंने किए थे 26, मैथ्स में मैंने किए थे 30 एंड रीजनिंग मैंने किए थे 30। तो टोटल अटैम्प्ट मेरे बने 86 एंड मैं मार्क्स अटैम्प्ट अपने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अबाउट 78 से लेकर 80 के बीच में। सो ये मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं। आपको डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाने वाली वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगी 65, मैक्सिमम से मैक्सिमम 65 या 67, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला है। एंड अगर आप मेरा सजेशन मांगेंगे तो मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आप रिज़ल्ट का वेट ना करें। अगर आप थोड़े से भी श्योर हैं कि आपका रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा सो अभी से सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इस प्रिपरेशन पर लग जाएँ। और इसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि मेंस जो है एक महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, रिज़ल्ट भी आ जाएगा और मेंस भी हो जाएगा एक या डेढ़ महीने के अंदर अंदर। सो फॉर दिस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियोस ऐसी आपको मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता था कि अभी मैंने परसों एक वीडियो डाली थी जो SBI PO मेंस और क्लर्क मेंस के रिजल्ट के प्रोडक्शन के बारे में था। काफ़ी नेगेटिव कमेंट मुझे देखने को मिले, लेकिन आप देखोगे अगर आप उस वीडियो को जाके देखोगे तो जो मैंने कहा था उस डेट के हिसाब से रिज़ल्ट आ गया था। सो बस इतना ही कहूँगा कि इफ़ यू कांट सपोर्ट, हमारा आपके बिना कोई वजूद नहीं है। सो आप सब आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो शेयर कर दें एंड थैंक्स टू वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।